चाहे कोई भी सब्जी हो या नॉनवेज रेसिपी या फिर कोई टेस्टी ग्रेवी बनानी हो, उसमें प्याज टेस्ट बढ़ाने वाला सबसे मेन फैक्टर होता है। प्याज का उपयोग सलाद, सब्जी, अचार और मसाले के रूप में किया जाता है। हर मौसम में इसकी अच्छी खासी डिमांड रहती है। भारत में रबी और खरीफ दोनों सीजन में प्याज उगाया जा सकता है। चूंकि ये एक नगदी फसल है तो आप इसकी खेती कर फायदे में रह सकते हैं। अभी अक्टूबर में इसकी नर्सरी तैयार करने का सबसे उपयुक्त समय है। आगे 15 नवंबर से रबी प्याज की रोपाई शुरू हो जाएगी। उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर रबी प्याज की खेती होती है। अच्छी क्वालिटी की बंपर उपज लेने के लिए इसकी नर्सरी पर खासा ध्यान देना जरूरी है। प्याज को कई तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छी उपज के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी, जिसमें जीवाश्म पदार्थ की प्रचुर मात्रा और जल निकास की व्यवस्था हो, साथ ही मृदा का पीएच मान सामान्य यानी 6.5 से 7.5 के बीच हो, तो सर्वोत्तम मानी जाती है। खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। खेत में पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2 से 3 जुताई देसी हल या हैरो से करें, जिससे मिट्टी भुरभुरी बन जाए। हर जुताई के बाद पाटा जरूर लगाएं। रबी प्याज के लिए नर्सरी डालने का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर का महीना है। इसकी प्रति एकड़ खेती के लिए 4 से 5 किलो बीज की जरूरत होती है। 3 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ी क्यारी बनाएं। 1 हेक्टेयर की खेती के लिए ऐसी 180 से 200 क्यारियां बनानी होंगी। इसके बारे में विशेषज्ञ की सलाह आपके बड़े काम आ सकती है। क्योंकि उत्तर भारत में जो बरसात वाली कुछ तो हमारी चल रही है, जो नवंबर में कच्ची प्याज के लिए आ जाती है, इन दिनों थोड़ा बीज की मात्रा कम होती है क्योंकि पौधे की मरने की समस्या कम होती है नर्सरी में। ऐसी स्थिति में हम 4.5 से 5 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए हमें बीज की पर्याप्त मात्रा होती है। प्याज की अच्छी पैदावार के लिए उत्तम किस्मों के बीजों को चुनें। प्याज की उन्नतशील किस्मों में एग्री फाउंड लाइट रेड, एग्री फाउंड व्हाइट, पूसा माधवी, एग्री फाउंड डार्क रेड, N53, पूसा रेड, अर्का किस्में प्रमुख हैं। वैरायटी के चयन के बाद स्वस्थ नर्सरी के लिए प्याज के बीजों की मात्रा, शोधन और उचित दूरी के साथ साथ इसकी सही टाइमिंग पर सिंचाई का ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए बीज को उपचार करना बहुत जरूरी है। बगैर बीज उपचार किए बिल्कुल न लगावें प्याज को। ये भी हमारा एक सूखा ही पाउडर भी होता है, जैसे हम जिक्र करते हैं 3 है दवाइयाँ आपके, कैप्टान है, थीरम है, बावेस्टीन है। इन तीनों दवाइयों को 200 से 250 ग्राम 1 एकड़ बीज के उपचार के लिए पर्याप्त होता है। नर्सरी में सभी कारकों का सही इस्तेमाल करें, फिर 5 से 7 हफ्ते में इसकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। प्याज की क्यारियां तैयार होने के बाद अब इसकी बुआई से पहले क्यारियों में लाइनें खींच लें और साथ ही तैयार क्यारी में उचित दूरी पर बीज को डालना चाहिए। प्याज की नर्सरी के लिए हमें उठी हुई क्यारियों की जरूरत नहीं पड़ती और 1 मीटर चौड़ी और करीब 3 मीटर से ज़्यादा न रखें और जो चौड़ाई है वो 1 मीटर रखें और उधर से साइड से मिट्टियाँ उठा करके डॉल बना दें और डॉल के बीच में जो क्यारियाँ जो हमारी जो जहाँ बिजाई करनी है वो हम 1 मीटर और 3 मीटर के बीच में करें डॉल करके, फिर सिंचाई पहले हम बीज लाइनों वो या। रवि प्याज की नर्सरी में खाद और उर्वरक की मात्रा जलवायु और मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करती है। अच्छी नर्सरी पौध लेने के लिए सड़ी गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट खेत की अंतिम तैयारी के समय मिला दें। इसके अलावा बुआई के बाद भी जरूरत के अनुसार टॉप ड्रेसिंग रूप में देना चाहिए। करने के बाद जैसा खेत तैयार है, तैयार करने के बाद खाद पानी की जो खाद की आवश्यकता होती है उसके लिए हम यही राय देते हैं कि बीज का उपचार किया और बीज को जब हम बिजाई कर लें तो उस पर एक अच्छी सी चाहे वो कंपोस्ट खाद हो चाहे केंचुए की खाद हो, इन खेतों को एक लेयर 5 सेंटीमीटर मोटी जितना बिछा के फिर उसको पराली से या सरकंडे से या खरपतवार से ढक दें। प्याज की नर्सरी में सिंचाई की आवश्यकता, नर्सरी डालने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई अवश्य करें और उसके 1 हफ्ते पर फवारा से हल्की सिंचाई करें, जिससे मिट्टी नम बनी रहे और पौधे अच्छी तरह से जम जाएं। प्याज की नर्सरी में 6 से 7 सिंचाई पर्याप्त होती है। इसके बाद पहले वो फवारे से
सिंचाई करें ताकि हमारा बीज हल्का होता है, बह न सके। इसके बाद पहली सिंचाई करने के बाद देखें, जब बीज व्यवस्थित हो गया और मिट्टी के संपर्क में आ जाए तो खुला भी सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन अमूमन देखा जाता है हमारे गांव में जो भी सब्जी उत्पादक हैं वो अपना बिजाई करने के बाद उसको ढक देते हैं और ढकने के बाद ढके हुए में भी सिंचाई करते रहते हैं और एक हफ्ते के अंदर एक हफ्ते पर उसको क्यारियां को भर देते हैं। जब प्याज की नर्सरी पौध 2 महीने की हो जाए तो रोपाई के लिए नर्सरी पौध को उखाड़ें। इसके पहले इस बात का जरूर ध्यान दें कि अगर नर्सरी में रोग बीमारी लगती है तो उसके बचाव के लिए सही दवाओं का छिड़काव करें। इस तरह आपको प्याज की हेल्दी नर्सरी मिलेगी। जड़ गलन पद गलन समस्या आती है किसानों, कभी कभी देखा गया है कि पैच बन के जब नर्सरियां बनना शुरू होती हैं तो एकदम से पैच के में आकर के रड़ियों रड़ियों में सूखना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए बीज को उपचार करना बहुत जरूरी है, बगैर बीज उपचार किए बिल्कुल न लगावें। इस तरह उचित प्रबंधन अपनाकर आप अच्छी स्वस्थ नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और जब नर्सरी से प्याज के अच्छी पौध प्राप्त कर अगर बताई गई विधियों को अपनाकर इसकी तकनीकी तरह से खेती करेंगे तो प्याज की बम्पर उपज मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।